हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN City ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 37 करेंगे, सोशल साइंस हिस्ट्री की क्लास 8 की, चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947। तो आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद का पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट, एक नई मूवमेंट लाने का निर्णय लिया ब्रिटिश के खिलाफ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा, गांधी जी ने, कि इससे जो ब्रिटिश है उन्हें बिल्कुल इंडिया से निकालना होगा। तो इसके लिए उन्होंने लोगों से कहा, डू और डाई, करो या मरो। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को मिलकर ब्रिटिशर्स को निकालना, एक नॉन वायलेंटली फाइट के संग, और ब्रिटिशर्स को हमारे देश से निकालना है। तो गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल। क्यों? पहले ही जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। इट स्पेशली अट्रैक्ट प्रेजेंट एंड यूथ। इसमें जो लोग थे वो थे किसान, और जो लोग हमारे कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे वो उन्होंने पढ़ाई छोड़कर इसमें हिस्सा लिया। जो कम्युनिकेशन था इसका वो फैलता गया, जबकि जो बड़े लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट। लोगों ने अपने अपने गवर्नमेंट और लीडर्स बनाए और हमला किया। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वर सेवियर। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें आखिरी में घुटने टेक नहीं पड़े। थाउजेंड ऑफ पीपल अरेस्टेड। तब भी कहीं से लोग मारे गए इस लड़ाई में। द रिलेबियन हाउएवर अल्टीमेटली बॉट द राज टू इट नीड्स। पर ब्रिटिश राज अपने घुटने टेक गया। टूवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। की पार्टीशन और इंडिपेंडेंस कैसे हुई? तो इन 1940 में जो मुस्लिम लीग थी इसने एक रिजोल्यूशन किया, डिमांड की इंडिपेंडेंट स्टेट की फॉर द मुस्लिम इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो फियर में थे दैट दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फाइडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो इससे क्या हुआ, डर गए। जो कांग्रेस थी उन्होंने रिजेक्शन किया जो लीग थी टू ज्वाइन कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937। जो इलेक्शंस थे ये हुए 1946 में। द कांग्रेस डिड, जो कांग्रेस थी इसने जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया, बट द लीग सक्सेस। पर जो लीग थी वो जीत गई क्योंकि मुसलमानों को बहुत सी सीट मिल गई। और उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की। तो कैबिनेट मिशन हुआ फिर इन मार्च 1947। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने 3 मेंबर मिशन किया टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ, और एग्जामाइन किया जो डिमांड्स थी लोगों की फॉर फ्री इंडिया। तो इस मिशन में जो इंडिया थी एक यूनाइटेड हुई और इसने कंस्टिट्यूट किया, अपने आप को बांट दिया कुछ मुस्लिम लोगों के लिए। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस। पर जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी इन दोनों के बीच दो उनकी दूरियां थी वो बढ़ती चली गई आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिशन था जब ये जो था ये फेल हो गया, जो मुस्लिम लीग थी इसने डिसाइड किया और कहा कि वो डिमांड करते हैं पाकिस्तान की। तो जो लीग थी इसने अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे। ऑन दिस डे, इस दिन जो रिवॉर्ड्स थे, जो दंगे थे वो भड़क गए कलकत्ता यानी कोलकाता में, जो अब कोलकाता है, और ये बहुत बुरे तरह से हुए। इसमें हजारों लोग मारे गए। बाय मार्च 1947 जो वॉयलेंस था वो नॉर्थ की तरफ भी बढ़ने लगा। कई लोग मारे गए और कई लोगों के जो घर बार थे वो छिन गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो इंडिया थी वो बिल्कुल ही तहस महस हो गई और जो पार्टीशन का वॉयलेंस था वो बढ़ता गया। अब क्वेश्चंस, हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट अनफोल्डेड। तो फार्मर एंड यूथ पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। द स्टूडेंट लेफ्ट देयर स्टडी and jumped into the movement. Symbol of communication and state power were attacked throughout the country. In many areas, people formed their government. In this way, the movement spread all over the country. Second, why did Muslim League push for the demand of the independent state for the Muslim? So, because they feared that Muslim are minority and they will always have to play secondary role in any democratic structure. They also feared that Muslim might not get representation. Third, why was cabinet mission formed? What were the proposals? So the cabinet mission was formed to understand the justification of the demand of the Indian to decide political future of independent India.
Its proposals were that India should remain undivided as a loose-fitting federation, giving some autonomy to Muslim minority areas. Fourth question, why did Congress and Muslim League reject proposal of cabinet mission? So both the Congress and Muslim League did not agree on some of the provisions of the resolution. दोनों ही कुछ resolutions जो थे कुछ भेदभावों पर और कुछ नियमों पर agree नहीं थे, इसीलिए ही reject किया गया. तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे. अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन. चैनल को लाइक सब्सक्राइब.